सो फाइनली जो है हम लोग गुवाहाटी एयरपोर्ट से निकल चुके हैं और गुवाहाटी एयरपोर्ट से निकल के हम पोबितारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की तरफ जा रहे हैं। और प्लान तो फिलहाल यही है कि हमारे पास समय बहुत कम है और जितना जल्दी हो सकते हैं हम वहाँ पहुँचने की कोशिश करेंगे और वहाँ पे राइनोज जो हैं उनको उस अगर लोकेट हो जाए और मिल जाए तो हमारी किस्मत की बात है, बाकी जितना जल्दी हो सके पहुँचते हैं। क्या बोलते हो? बिल्कुल, फिंगर्स क्रॉस्ड है, फिंगर क्रॉस है तो हम ट्रैफिक ना मिले, फटाफट पहुँच जाए। और दूसरी चीज तो ये जो है आसाम गुवाहाटी की जो है बहुत शॉर्ट ट्रिप है, 5-6 घंटे की ट्रिप है, क्योंकि हमारे जो फ्लाइट है वो शाम को वो है। तो हमने सोचा कि क्यों ना इस समय का सदुपयोग किया जाए और इसकी जो आसाम की खूबसूरती है उसको निहारा जाए, सही है कि नहीं है? तो चलते हैं और आगे, और आपको और आगे डिटेल में अपडेट करेंगे कि क्या हमें वहाँ टिकट मिल पाया, नहीं मिल पाया, क्या होगी सिचुएशन होगी, लेट्स फाइंड आउट, क्योंकि हमें भी कुछ नहीं पता, क्योंकि ये बिल्कुल टोटली अनप्लान्ड है ट्रिप है। सो लेट्स गो एंड find out more things. और वहां से निकलने के बाद क्या है कि ब्रह्मपुत्र रिवर आती है, इतनी बड़ी रिवर है। तो हम लोग रास्ते में जा रहे थे तो इसकी खूबसूरती जो है देख करके हम मेस्मराइज हो गए। क्या बोलते हो? बिल्कुल, बहुत ही खूबसूरत, जहाँ तक नजर पहुंचे वहां तक रिवर का रिवर बैंड ही दिख रहा है पूरा। तो कितना किलोमीटर होगा? आराम से होगा, अभी तक मैं बनास को बहुत चौड़ा समझती थी कि बहुत चौड़ा रिवर है, बहुत चौड़ा होगा, बहुत ज्यादा। तो यहाँ से जो दिखाई दे रहा है ना हमें पीछे की तरफ, तो जहां तक हमारी नजर जा रही है ना वहां तक इस नदी की विड्थ है, मतलब इतना विशाल है इसका, मतलब पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है, कम से कम 1 या 2 किलोमीटर होगा, मतलब इतना चौड़ा होगा, मतलब इतनी चौड़ी रिवर है यार, मतलब गजब, इतना खूबसूरत है, इतना खूबसूरत है। यहाँ पे आओ और थोड़ी देर बैठो ना, मजा आएगा। क्या बोलते हो? ठंडी ठंडी हवा, सूरज की धूप, अद्भुत संगम, अद्भुत संगम। और है ना उसके पीछे भी पहाड़ है, और जो ये ब्रह्मपुत्र रिवर है उसके पीछे भी पहाड़ है, शानदार, बहुत ही शानदार नजारा, सच में अद्भुत। चले मैडम, तो फाइनली जो हम लोग पहुंच चुके हैं पोबितारा नेचर शॉप, और ये लिखा हुआ है जीप सफारी काउंटर। तो यहाँ पे जो है अभी, हेलो मैडम, पहुंच गए पोबितारा? यस, पोबितारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पहुंच गए आप? बिल्कुल, एक्साइटेड टू सी वन हॉर्न राइनोस। वन हॉर्न राइनो देखना है आपको? ठीक है, तो अभी वो जो है हमारी एक हमारी जो है जीप सफारी के लिए हम बुकिंग करना चाहते हैं, लेकिन अभी जो है यहाँ पे लंच ब्रेक चल रहा है, लंच ब्रेक जो है वो यहाँ पे 12 बजे से 1 बजे तक लंच ब्रेक होता है। तो अभी तो हमारे पास जो है 10-15 मिनट है, 15 मिनट बाद में जो है ये स्टार्ट होगा। है आसमिस हैंडलूम देखना है? अरे बाबा रे बाबा, तो वहाँ जो है वो रास्ता है, और शायद मेरे ख्याल से जीप सफारी लेने के बाद में इस तरफ जो है सफारी के लिए जाते हैं। तो अभी 1 बजे टिकट काउंटर खुलेगा तो काउंटर से हम ले लेंगे। ये जो है आसामीज जो है वो एक ट्रेडिशनल शॉप वगैरह है, जहाँ से कुछ अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। तो पास में ही जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है पोबितारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसके यहाँ पे बहुत सारे जो आर्टिफैक्ट्स वगैरह आपको देखने को मिलते हैं, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत खूबसूरत जो है चीज़ें आपको देखने को यहाँ मिलती है। तो अगर किसी को ख़रीदनी हो, अगर कुछ लेनी हो, तो राइनोज वगैरह अगर आप लेने हैं तो लिए जा सकते हैं, इट्स अ वेरी नाइस प्लेस टू बी इन। तो लड़कियों की सबसे फेवरेट और ब्यूटीफुल चीज़ है वो है शॉपिंग। ओके भाई साहब, शॉपिंग के अंदर लग चुके हैं मैडम, और कम से कम यहाँ से कुछ ना कुछ आइटम तो आज ले करके निकलेंगे। मैडम कुछ ना कुछ आइटम लेके निकले को 100% मुझे ऐसा लग रहा है। अभी तो मैं देख रही हूँ। अच्छा देख रहे हो, कुछ ना कुछ तो लेके निकलोगे मुझे ऐसा लग रहा है। ऐसा क्यों लग रहा है आपको? मुझे फीलिंग आ रही है ऐसा। अगर किसी का अपना खुद का बहुत अच्छा सपना है कि घर को सजाने का, तो यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो बहुत ज्यादा लुभावनी है और बहुत ज्यादा खूबसूरत है। चलो मजा आ गया। और क्या, ये पहली बार पहला मिला वही पोज दे रहा है, चलो ले लो। बढ़िया यार, क्या कर रहे हैं यहाँ पे? सेल्फी ले लो।
छोटा आती है ना ये तो, बहुत छोटा बच्चा सा है। और लाइट की रोशनी अच्छी आ रही है इसलिए गिर खूबसूरत आएंगे बाकी तो जंगल में। पवित्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर फाइनली जो हमें राइनो देखने को मिल गया है, हमें 3 राइनो फिलहाल देखने को मिले हैं और बहुत ही खूबसूरत नजारा था। एक तो बस मेकअप करके नहा रहा था मस्त, अपने एकदम एकदम नजदीक था, वो रोड के बिल्कुल पास में था तो जैसे हम एंटर हुए थे ना वहां पे हमें वो राइनो देखने को मिल गया। तो एक राइनो जो है हमारे ठीक वहां पे पीछे है, अभी मैं इस वाले कैमरे में से तो नहीं दिखेगा लेकिन सोनी वाले से मैंने रिकॉर्ड किया है, उसपे पूरा क्लियर दिख रहा है, वो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है ना, और उसके ऊपर बगुले भी बैठे हैं दो। चलो बढ़िया है। तो फाइनली हमारी जो एक बकेट लिस्ट थी जी के जिसमें हमें जो राइनो देखना है वो बहुत वन हॉर्न राइनो जो है वो फाइनली हमने देख लिया है। वन हॉर्न राइनो सिर्फ इंडिया में पाया जाता है ना? वन हॉर्न राइनो इंडिया में सिर्फ, वाह क्या बात है, बहुत बढ़िया है। और टू हॉर्न राइनो देखने के लिए इंडोनेशिया जाना पड़ेगा। तो नेक्स्ट ट्रिप इंडोनेशिया की बनाएंगे अब, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं, अभी यहाँ से जो ये जो हम जहाँ खड़े हैं वो है व्यू पॉइंट, और व्यू पॉइंट के बाद में जो है हमें आगे की तरफ जाना है और वहाँ भी बहुत सारे खूबसूरत जो है चीजें देखने को मिलेगी। तो एलिफेंट दिखा था आपको? एलिफेंट दिखा था, हाँ एलिफेंट बच्चा था बहुत नजदीक था, बहुत छोटू सा बेबी था, हाँ बहुत छोटू सा बेबी था। चलते हैं फिर आगे के सफर के लिए निकलते हैं, अभी जो है यहाँ से व्यू पॉइंट से सीधा एग्जिट की तरफ निकलेंगे और ये 1 घंटे की सेंचुरी होती है तो ज्यादा समय भी नहीं है हमारे पास कि हम और चीजें एक्सप्लोर कर सकें यहाँ पे, है ना? बिल्कुल। चलें। फाइनली जो है ये जो था आपको दिख रहा है ये व्यू पॉइंट था, यहाँ से हम लोगों ने बहुत सारे फोटोज वगैरह ले लिए, राइनो को ले लिए, और ये मैडम जी चले, मैडम चलो चलो अपने अंदर बैठते हैं और वापस अपनी जर्नी को स्टार्ट करते हैं, और वहाँ आगे की तरफ हमें जाना है पार्ट टू। तो पार्ट वन हमारा कंप्लीट हो चुका है व्यू पॉइंट के बाद, अब सेकंड हाफ के अंदर क्या क्या देखने को मिलता है देखते हैं। अरे कहाँ है राइनो? खड़े होना पड़ेगा। अच्छा राइनो दिख गया वापस, ओहो मॉनिटर लिजर्ड है वो, भाई गजब लग रही, सही है यार, आंखें भी दिख रही इसकी तो मस्त वाली। भाई कैसा लगा मॉनिटर लिजर्ड? मस्त लग रही है, अच्छी लग रही है मॉनिटर लिजर्ड, सही है यार, ओ भाई सही है, ओ भाई खतरनाक यार ये तो। ये काम वाला मानो डायरेक्ट गया, डायरेक्ट जो पानी से गया। मॉनिटर लिजर्ड फर्स्ट टाइम देखी आज अपन ने, ये भी फर्स्ट टाइम वाइल्ड में तो पहली बार देखी फर्स्ट मॉनिटर। सो फाइनली जो पोबीतारा है वो हमने देख लिया है, और पोबीतारा से अब जो है हमारी फ्लाइट है शाम को 6 बजे की, तो पोबीतारा से फटाफट यहाँ से निकलते हैं वरना बहुत ज्यादा लेट हो जाएंगे, सफर जो है थोड़ा सा लंबा है, क्या बोलते हैं? बिल्कुल सफर बहुत लंबा है, लेकिन इस पोबीतारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में आके बहुत मजा आया, बहुत सारे राइनोस देखने को मिले, और हमारी टू डू लिस्ट में से एक चीज टिक हो चुकी है, वन हॉर्न राइनो। और कहते हैं कि पोबीतारा में सबसे ज्यादा नंबर ऑफ राइनोस इसी एरिया में पाए जाते हैं, तो छोटी सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पर यहाँ पे 115 के समथिंग वाइल्ड लाइफ वो राइनोस हैं। साथ ही हमने मॉनिटर लिजर्ड देखी, एलिफेंट देखे, और वाइल्ड बफेलो भी देखा। अच्छा मतलब अच्छे मतलब जानवर हैं यहाँ पे, मतलब अगर आप देखोगे तो मतलब बहुत खूबसूरत शांत वातावरण है और बहुत मजा आता है ना? तो चलते हैं फटाफट, नहीं तो फ्लाइट के लिए लेट हो जाएंगे, तो हमारा टाइम हो चुका है, लेट्स गो।